निकहत अब्बास अंसारी जेल मिलन कांड में अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद अब जिला प्रशासन ने सपा नेता फराज खान के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन ने फराज खान के घर को अवैध निर्माण करार देते हुए घर पर बुलडोजर चला दिया। विकास प्राधिकरण के मुताबिक सपा नेता फराज खान का घर 4 फीट अवैध रूप से बनाया गया था, जिसके चलते अवैध निर्माण वाले हिस्से को एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में ढहाया गया। ये कार्रवाई के दौरान 2 बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निकहत के जेल मिलन कांड का खुलासा होने के बाद जेल अधीक्षक समेत कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। इसी मामले में निकहत अंसारी की मदद करने वाले सपा नेता और जिला महासचिव फराज खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बीते 20 फरवरी से फराज खान जेल में बंद है। तो वहीं इसी मामले के बाद सपा नेता फराज खान के घर पर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण कराने का नोटिस भेजा था और अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया था, मगर जब अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन की टीम खुद बुलडोजर लेकर घर तोड़ने पहुंच गई। ये नन्हे खां पुत्र बाबू खां के द्वारा किया गया अवैध निर्माण है, जिसे गिराया जा रहा है। अदोस्तीकरण के आदेश हुए हैं, उसी दोस्तीकरण के आदेश के अनुपालन में पुलिस बल के साथ इसको हटाया गया। कितना गिराया जा रहा है? कहीं 4 फीट है, कहीं 3 फीट है। जितना है वो नाप करके निशान लगा दिया गया, उस निशान से हटाया जा रहा है। विकास प्राधिकरण ने अपने नोटिस में सपा नेता के घर को 4 फीट सड़क पर अवैध कब्जा कर घर बनाने का आरोप लगाया है, जबकि इस मामले को लेकर सपा नेता के पिता मुन्ने खां का कहना है कि उनके बेटे को राजनीति की वजह से फंसाया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।